बेटा अब हम लोग जो है सबसे पहले सेल बायोलॉजी में ये टॉपिक पढ़ेंगे। सेल बायोलॉजी बिगिनिंग में पढ़ी जाती है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस है। फंक्शन की डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चर की डिफरेंस की बात कर रहे हैं किस किस सेल के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की। तो एक फिगर आप यहाँ देखें, डिफरेंस आप यहाँ देखें। जैसे सबसे पहले जो डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का, वो होता है न्यूक्लियस का। तो ये पहला डिफरेंस है, आप यहाँ देखिए न्यूक्लियस लिखा है, ये कैरेक्टर्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। आपको मैंने यहाँ कैरेक्टर्स लिखा है, हम यहाँ डिफरेंस लिखेंगे और देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस है। मान लीजिए मैंने बोर्ड पे यहाँ दो सेल बनाई है, अगर आप ये सेल समझना चाहें तो ये जो सेल है इस सेल का नाम प्रोकैरियोटिक सेल है। ये देखिए मैंने इसे फिगर बना दिया ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक सेल इसलिए है कि इस प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर इंसिपिएंट न्यूक्लियस लिखा जाता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस मतलब ये हुआ कि वह न्यूक्लियस जो कि बन रहा है, मतलब जो न्यूक्लियस बन के तैयार नहीं हुआ है। ये देखिए इंसिपिएंट न्यूक्लियस लिखा जाता है यहाँ पे। ये प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियस इंसिपिएंट अभी बन रहा है। मैंने पहले बताया था प्रो माने प्रिमिटिव, कैरियन माने न्यूक्लियस और शेल। एक दूसरी शेल देखिए, ये बोर्ड पे दूसरी शेल आपके सामने है इस तरह से। ये जो आउटर बाउंड्री इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हम जैसे जैसे फिगर बनते पढ़ाते जाएंगे बनाते जाएंगे। तो अगर आप यहाँ देखें तो इस प्रोकैरियोटिक ये जो सेल है इसे यूकैरियोटिक का कहेंगे। ये एक सेल है, अगर आपको इसमें न्यूक्लियस बनाना है तो आप ऐसे एक न्यूक्लियस बना दें। आपने ऐसे न्यूक्लियस बनाया, इस न्यूक्लियस की आप ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दें इस तरह से। ऐसे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दें इस तरह से। ये देखिए तो आपने यहां पर अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए, इसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपने फटाक से लिख दिया कि सर ये देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ध्यान से देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यू नहीं है, इसके बीच में गैप होता है। इस गैप को हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। वह पोर जो न्यूक्लियस में है उस पोर को हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसकी मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं और इस पे जो पोर है उसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे ऐसे राइबोसोम लगे रहते हैं, ये राइबोसोम ATS वाले होते हैं। मतलब ये तो बहुत डीप की बात है, हम आपको धीरे धीरे एक एक कैरेक्टर सिखाएंगे, स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे। यहाँ देखिए इस न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये देखिए मेम्ब्रेन, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर पोर, बीच में जो स्ट्रक्चर है उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये तीन चीजें हो गई। इसी न्यूक्लियोलस से ये देखिए जीवन का धागा इसी कैसे टहलता रहता है, इसी जीवन के धागे को बेटा क्रोमेटिन कहते हैं। ध्यान रखें कभी भी आप यहाँ पर DNA नहीं लिखेंगे, आपको हमेशा यहाँ क्रोमेटिन लिखना है जी। और इस क्रोमेटिन के अंदर ये जो जगह बची है इसमें खास तरह का पानी पड़ा हुआ है, वाटर पड़ा हुआ है, ये वाटर पड़ा हुआ है। इस वाटर को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये देखिए इतनी चीजें हैं जो न्यूक्लियस बनाती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो क्रोमेटिन है इस क्रोमेटिन में चार चीजें होती हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा, आपने कभी शायद पढ़ा नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। आप 11th में हैं, ध्यान देना है। इसमें पहली चीज DNA होती है, दूसरा इसमें RNA होता है, तीसरा इसमें हिस्टोन होती है, हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, और चौथा इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। ये देखिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। आपके सामने दो सेल बनी है, एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है या जिसका न्यूक्लियस बन रहा है। तो जिसका न्यूक्लियस बन रहा है उसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल कहा, जिसका न्यूक्लियस बन के तैयार हो गया उसे हमने, उस सेल को हमने यूकैरियोटिक सेल कहा।
अब आपको डिफरेंस देखना है कि इन दोनों सेल्स में क्या डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल कहा हमने, अब आपको फोकस करना है, सीखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है। तो आप फटाफट लिखिए यहां पर लिखिए इंसिपिएंट न्यूक्लियस। पहले आप लिखिए इंसिपिएंट न्यूक्लियस, आप ये लिखिए इंसिपिएंट न्यूक्लियस मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो भी बन रहा है। आप यहां लिखिए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। साफ साफ आपने लिखा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, लिखा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ये आपने फटाक से किया। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मतलब वो न्यूक्लियस जिसमें पांच चीजें हैं। एक तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये पहला स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दूसरा इसमें न्यूक्लियर पोर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर पोर है। तीसरा इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है, वो फ्लूड है न्यूक्लियोप्लाज्म है। चौथा इसमें न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर अगला स्ट्रक्चर जो है उसमें क्रोमेटिन है, मतलब जो न्यूक्लियस है उसमें ये चार पांच चीजें पड़ी हैं। वेल डेवलप्ड का मतलब ये पांच चीजें हैं, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दूसरा न्यूक्लियर पोर है, तीसरा न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन है। देखिए ये पांच चीजें इस न्यूक्लियस में पड़ी हुई है। ये जो मेम्ब्रेन है इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, जिसमें वाटर पड़ा है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसमें ये धागा है इसे क्रोमेटिन कह रहे हैं, इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर इसलिए इसको यूकैरियोटिक कहते हैं। इसमें ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, इस तरह का स्ट्रक्चर इस सेल में नहीं है, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अगर आपको ये आइडिया है कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, तो ये जो स्पेस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं इस इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जाने दीजिए यहाँ पे आइए। हम आपको एक बात सिखाना चाहते हैं कि ये जो क्रोमेटिन है इसमें देखिए चार चीजें हैं, एक डीएनए है, एक आरएनए है, एक हिस्टोन प्रोटीन है और दूसरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। यहाँ देखिए यहाँ पर आपको ये अगर जेनेटिक मटीरियल डीएनए है तो आपको कभी भी यहाँ पर क्रोमेटिन नहीं लिख सकते, आपको केवल डीएनए लिखना पड़ेगा। आपको बहुत ही ध्यान से इस बात को समझना है, हम जानते हैं आप बहुत ही होशियार हैं, आप हमसे भी ज्यादा होशियार हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि मैंने इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए न लिख के क्रोमेटिन लिखा है, जबकि इसके अंदर हमने डीएनए लिखा हुआ है। मतलब कुछ तो है जो हम सिखाना चाहते हैं आपको। तो आप यहां देखिए क्रोमेटिन में डीएनए के साथ आरएनए है, आरएनए के साथ हिस्टोन है। इस हिस्टोन के बारे में अगर बात करें तो यहां पे आइए प्रोकैरियोटिक सेल की इसके बारे में दूसरा डिफरेंस देखते हैं। अगर यहां डीएनए की बात करें, डीएनए की बात करें तो आपको देखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप डीएनए की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए है, ये सर्कुलर डीएनए का शेप होता है। डीएनए सर्कुलर इसलिए है क्योंकि अगर आप इसका तीसरा डिफरेंस देखें, यहां पर तो एक प्रोटीन है जिसका नाम मैं बार बार ले रहा हूं, उस प्रोटीन का नाम हिस्टोन प्रोटीन है। ये हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट है, ये देखिए ये। जब डीएनए के साथ हिस्टोन नहीं जुड़ी होगी तब डीएनए का शेप सर्कुलर होता है। आप चाहे यहां कहीं लिख ले या ऐसे आप याद करने का प्रयास करें कि अगर डीएनए के साथ हिस्टोन नहीं होती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है तो इस डीएनए का शेप जो होता है वो सर्कुलर होता है, ये देखिए ये ध्यान रखना है आपको। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए तो है, नाइट्रोजन के बेस 10 है, लेकिन यहां पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है।
हिस्टोन प्रोटीन के एब्सेंट हो जाने के कारण यहाँ जो डीएनए है वो उसका शेप सर्कुलर है। यहाँ आते हैं, यहाँ पर आपको डीएनए के बारे में देखना है कि यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में क्या डिफरेंस है। देखिए ध्यान दीजिए, आपको सीखना है कि अगर लीनियर डीएनए है, ये बात सीखिए, अगर वो लीनियर डीएनए है तो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में है। अगर लीनियर डीएनए है तो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में है, लेकिन अगर वो सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, वो डीएनए अगर सर्कुलर है तो ये डीएनए दो जगह पे है बेटा। एक डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरा डीएनए है क्लोरोप्लास्ट में। आप ये बात सीखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें कि जो यूकैरियोटिक सेल है, जो ये हमारी यूकैरियोटिक सेल है, इस पर डीएनए तीन जगह पे है। वो तीन कौन कौन सी जगह है आप यहां ध्यान दें। जो पहला डीएनए है वो न्यूक्लियस में है, यहां पे न्यूक्लियस में डीएनए है। दूसरा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में है और तीसरा डीएनए क्लोरोप्लास्ट में है। मतलब अगर हम आपसे कहें यूकैरियोटिक डीएनए में, डीएनए सेल में डीएनए तीन जगह पे है, तो कौन कौन सी सेल है जहां पर डीएनए है? अगर आप ध्यान से देखें तो डीएनए यूकैरियोटिक सेल में तीन जगह पे है। वो कौन कौन सी जगह है? एक तो आपको ये न्यूक्लियस में डीएनए दिख रहा है जो मैंने लिखा हुआ है, इसके सिवा अगर आप देखें तो इसके इस सेल के अंदर एक तो ये स्ट्रक्चर है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और ये स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं या हम लोग प्लास्टिड कहते हैं। इनके अंदर भी डीएनए है। मैं अगर आप चाहें इसको साठ भाव में लिख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां लिख देता हूं मैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट है। यहां पर भी डीएनए है। आप प्लीज सारे लोग इस बात को फोकस करें कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए तीन जगह पे है, न्यूक्लियस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है और क्लोरोप्लास्ट में है। तो न्यूक्लियस का जो डीएनए है वो डीएनए लीनियर है। लीनियर डीएनए का मतलब यह हुआ, किसी भी डीएनए को लीनियर तब कहते हैं जब वो हिस्टोन से जुड़ा हो, उसका शेप लीनियर है। लेकिन अगर वो डीएनए हिस्टोन से नहीं जुड़ा है तो उस डीएनए को हम लोग सर्कुलर कहते हैं। मतलब ये हुई मेरे बच्चे कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए तीन जगह पे है, न्यूक्लियस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, क्लोरोप्लास्ट में है। न्यूक्लियस का जो डीएनए है वो हिस्टोन से जुड़ा है, इसलिए वो लीनियर डीएनए है, उसका शेप लीनियर है, टाइप नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए है उससे हिस्टोन नहीं जुड़ी है, लेकिन जो न्यूक्लियस में डीएनए है उससे हिस्टोन जुड़ी है। इसका मतलब ये हुआ। इस तरह से अगर आप देखें तो डीएनए का डिफरेंस क्या आया कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है वो सर्कुलर डीएनए है और हिस्टोन एब्सेंट है। यूकैरियोटिक सेल में ये देखिए लीनियर डीएनए है। लीनियर डीएनए कहां पे है? न्यूक्लियस में है। आप ऐसे देख लीजिए, ये न्यूक्लियस में है, सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में है। अब आपको याद करना है कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए तीन जगह है, न्यूक्लियस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, क्लोरोप्लास्ट में है। यहां डीएनए है, यहां डीएनए, यहां डीएनए है, लेकिन ये तीनों डीएनए डिफरेंस है। ये डीएनए लीनियर है क्योंकि ये डीएनए लीनियर है क्योंकि ये डीएनए हिस्टोन से जुड़ा है। यहां जो दोनों डीएनए है ये डीएनए हिस्टोन से नहीं जुड़े हैं, इसलिए ये सर्कुलर डीएनए है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए से मैचिंग करता है। आपको मैं बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एक प्रोकैरियोटिक सेल है। फिर सुन लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो न्यूक्लियस का ये पहला डिफरेंस मैंने आपको पढ़ा दिया। तो दूसरा डिफरेंस, अब आप अगला डिफरेंस देखें। जो अगला डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का, वो डिफरेंस जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अगला डिफरेंस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफरेंस है। ये देखिए, ये नेक्स्ट डिफरेंस। अब आप यहां पर बोर्ड पे देखें कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां पे है। अगर आपने आउटर लेयर बनाया और आपने सेल वॉल लिखा
आउटर लेयर को आपने सेल वॉल लिखा, तो मैंने यहाँ पर भी सेल वॉल आउटर लेयर लिख दिया। मतलब हम लोग सेल वॉल अगर आउटर बाउंड्री बना रहे हैं तो प्लांट सेल हो जा रही है, लेकिन अगर सेल वॉल के अंदर देखें तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर आप ध्यान से देखें तो यूकैरियोटिक जो सेल है जिसमें न्यूक्लियस बना है, इस यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक नॉर्मल रेगुलर बाउंड्री है। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बाउंड्री देखें, इस प्रोकैरियोटिक सेल को ऐसे देखते जाएं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करते 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 किसी एक जगह पर साइटोप्लाज्म की तरफ इनफोल्ड कर जाती है। जब ये इनफोल्ड कर जाती है तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस फोल्डिंग को हम लोग मीसोसोम कहते हैं। मतलब मीसोसोम क्या है, हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल पे मीसोसोम जो है, मीसोसोम्स जो हैं, अगर आप लिखना हो शॉर्ट में लिखना हो तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं। मतलब अंदर की तरफ फोल्डिंग्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके इनफोल्डिंग को हम लोग मीसोसोम कहते हैं। यहाँ देखिए, तो मीसोसोम है कुछ नहीं, आप ये बात सीखें कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके इनफोल्डिंग को हम लोग मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम इनफोल्डिंग है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। और यहाँ पर जो है ये यहाँ पर सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। मतलब अगर आप मेरी बात समझ जाएं तो जो काम यूकैरियोटिक सेल में माइटोकांड्रिया का है, मतलब यूकैरियोटिक सेल में जो काम माइटोकांड्रिया का है, इस माइटोकांड्रिया का काम इस जो सेल में है, वही काम प्रोकैरियोटिक सेल में मीसोसोम का है। मतलब माइटोकांड्रिया और मीसोसोम का फंक्शन एक जैसा है, फर्क यह है कि ये मीसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है जबकि माइटोकांड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर मेल है। डिफरेंस ये है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मीसोसोम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन यहाँ पर लिखना है कि मीसोसोम जैसा स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होता है। यहाँ पर आप लिखिए, जब मीसोसोम में सेलुलर स्पेशन हो रहा है, किसका मतलब ये हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पियर्स रिस्पायरेटरी एंजाइम्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके पास रिस्पायरेटरी एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकांड्रिया के पास होता है, वो एंजाइम्स हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नो एनी एंजाइम्स, ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डू नॉट कंटेन एनी रिस्पायरेटरी एंजाइम। यूकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास कोई भी एनी रिस्पायरेटरी एंजाइम्स, यूकैरियोटिक सेल के पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास कोई भी रिस्पायरेटरी एंजाइम्स नहीं है। एक बार फिर से आप फोकस कर लें, इस बात को समझ लें कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग को हम मीसोसोम कहते हैं। जो काम प्रोकैरियोटिक सेल में मीसोसोम का है वही काम यूकैरियोटिक सेल में माइटोकांड्रिया का है। मतलब माइटोकांड्रिया में भी सेलुलर स्पेशन होता है, मीसोसोम में भी सेलुलर स्पेशन होता है। माइटोकांड्रिया के ऊपर दो मेम्ब्रेन है, मीसोसोम खुद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हम आपको बता दें मीसोसोम का एनसीईआरटी में 7 फंक्शन लिखे गए हैं एनसीईआरटी में। तो मीसोसोम कुल मिला के मोटा मोटा अगर हम कहें तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा ब्रेन इनफोल्ड करती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा ब्रेन की कोई भी इनफोल्डिंग नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा ब्रेन के पास एंजाइम्स हैं, रिस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, सेलुलर एंजाइम्स हैं, रिस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा ब्रेन के पास कोई भी एंजाइम नहीं है। ये अगला डिफरेंस है। एक चीज आप और यहीं पर देख लें, चौथा जो डिफरेंस है साइज का डिफरेंस है। अगर आप साइज का डिफरेंस देखते हैं तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं ये स्मॉलर होती हैं, छोटी होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल की साइज लार्जर होती है, प्रोकैरियोटिक सेल से थोड़ी सी बड़ी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल से थोड़ी सी बड़ी होती है। हाँ, तो तीसरा जो डिफरेंस है वो सेल वॉल का है। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल है अगर आप बैक्टीरिया के बारे में सोचें, यूकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल है अगर प्लांट सेल के बारे में आप सोचते हैं। तो आप देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल है ये सेल वॉल बनी है, अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करें
जो बैक्टीरिया है, अगर वो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया में अगर बात करें तो जो सेल वॉल बनी है वो दो चीजों की बनी है। वो बनी है सेल वॉल, जो सेल वॉल हम लोग पढ़ते हैं, एक सेल वॉल बनी है वो यन एसिटिल ग्लूकोसामीन की, यन एसिटिल ग्लूकोसामीन की बनी है, यन एसिटिल ग्लूकोसामाइन की बनी है, और दूसरा जो इसमें सब्सटेंस है वो है यन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड की बनी है। मतलब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, जो हमारा बैक्टीरिया है उसमें जो सेल वॉल है वो दो चीजों बनी है, एक बनी है यन एसिटिल ग्लूकोसामीन की और दूसरी बनी है यन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड की। प्रोकैरियोटिक जो सेल है, जो बैक्टीरिया है, उसकी सेल वॉल बनी है यन एसिटिल ग्लूकोसामीन की और यन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड की बनी है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, ये जो आउटर बाउंड्री सेल वॉल है, अगर इसकी बात करें तो ये जो फंजाई है, जो फंजाई है उसमें जो सेल वॉल बनी है वो बनी है काइटिन की। आपको मेरा पता होगा ये काइटिन जो है एनिमल किंगडम में फाइलम आर्थ्रोपोडा और प्लांट किंगडम में फंगस की सेल वॉल बनी होती है। आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स की बॉडी और फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। दूसरा देखिए, अगर हम एल्गी की बात करें तो इसकी जो सेल वॉल है वो बनी है गैलेक्टन्स की और वो बनी है कैल्शियम कार्बोनेट की। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। अगर हम लोग हायर प्लांट की बात करें, ये हो गई फंजाई एल्गी। अगर हम लोग ग्रीन प्लांट्स की बात करें, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, अगर हम लोग ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो इसमें जो सेल वॉल है बेटा वो बनी है सेल्यूलोज की बनी है। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल बनी है काइटिन की, गैलेक्टन्स माइनस कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, सेल्यूलोज की बनी है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है वो यन एसिटिल ग्लूकोसामीन की, यन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड की बनी है। अगला जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है प्लाज्मिड का। ये देखिए आपने पढ़ा होगा प्लाज्मिड का डिफरेंस जो है, आप ये देख ले प्लाज्मिड क्या होता है। अगर आप यहां पर देखें जो ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें ये एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है, ऐसे ये स्ट्रक्चर पड़ा है, इस स्ट्रक्चर को प्लाज्मिड कहते हैं। ये देखिए ये प्लाज्मिड है। और अगर हम आपसे पूछे प्लाज्मिड क्या है तो आपको बताना चाहिए, सर जो प्लाज्मिड है वो सर्कुलर डीएनए है। मतलब प्लाज्मिड जो है सर्कुलर डीएनए है, वो प्लाज्मिड पड़ा है बैक्टीरिया में। तो आप यहां पर लिखिए प्लाज्मिड प्रेजेंट है, यूप्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड प्रेजेंट है। और बेटा ये कैसा डीएनए है, ये डीएनए सर्कुलर डीएनए है, ये डीएनए सर्कुलर डीएनए है, मतलब इसका शेप सर्कुलर डीएनए है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड जो होती है वो अपसेट होती है। ये अगला डिफरेंस है, मतलब ये सेल वॉल का डिफरेंस हो गया और एक डिफरेंस हो गया प्लाज्मिड का। अब हम आपको अगला डिफरेंस पढ़ाते हैं, ये बात आप सीखने का प्रयास करें, ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। यहां पर आप देख लें कि जब ये कॉन्सेप्ट अभी आपके दिमाग में चलना चाहिए कि जब डीएनए से, ये अभी से आपको याद करना है इसी जगह से, कि जब डीएनए से अगर डीएनए बनता है, ये आपको याद करना है कि अगर डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो उसे हम लोग रिप्लिकेशन कहते हैं। ये सबको याद करना है, बिना इसके याद किए कल्याण नहीं है, कि अगर डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे रिप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो इसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। थोड़ा सा टफ है आपके लिए, अभी आप 11th में हैं तो थोड़ा सा आपके लिए टफ है कि डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे रिप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और बेटा अगर आरएनए से प्रोटीन बनती है, आरएनए से अगर प्रोटीन बनती है तो इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। मतलब ये तीन प्रक्रिया है जो आपको याद करना है। मैं आपको फिर से कंफर्म करा देता हूं, ये बात आप यहां सीखना शुरू करेंगे तभी हम आपको सिखा पाएंगे। ये देखिए कि अगर डीएनए से डीएनए बनता है तो इसे रिप्लिकेशन कहते हैं,
डीएनए से आरएनए बनता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से अगर प्रोटीन बनती है तो इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ये तीन प्रक्रियाएं हैं। तो अब अगर आप प्रो यूकैरियोटिक सेल में देखें और प्रोकैरियोटिक सेल में देखें, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में है, यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है वो जो है इनसिपिएंट न्यूक्लियस में है। मतलब ये डीएनए हमारा जो है, ये जो डीएनए पड़ा हुआ है इस साइटोप्लाज्म में आप कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर डीएनए से डीएनए बनता है तो इसे रिप्लिकेशन कहते हैं, एक डीएनए के मॉलिक्यूल से एक दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बनता है तो इसे रिप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से अगर प्रोटीन बनती है तो इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। मतलब आपके सामने तीन प्रक्रियाएं हैं, एक रिप्लिकेशन है, एक ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन है। रिप्लिकेशन तब कहते हैं जब डीएनए से डीएनए बने, ट्रांसक्रिप्शन तब कहते हैं जब डीएनए से आरएनए बने, और आरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं में अगर देखा जाए, इन तीनों प्रक्रियाओं में देखा जाए तो आप यहाँ पर करेक्टर में एक हेडिंग डालिए, प्रोटीन सिंथेसिस की हेडिंग डालिए। प्रोकैरियोटिक सेल में आप यहाँ देखिए तीनों प्रक्रियाएं लिखिए, ऐसे तीनों प्रक्रियाएं लिखिए। पहला प्रक्रिया लिखिए रिप्लिकेशन, ये आप फटाक से लिखिए रिप्लिकेशन। दूसरा लिखिए ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन। दूसरा प्रक्रिया लिखिए ट्रांसक्रिप्शन, और तीसरी प्रक्रिया लिखिए ट्रांसलेशन। ये तीन प्रक्रियाएं हैं ट्रांसलेशन, ये तीन प्रक्रियाएं हैं जो आप तीनों प्रोकैरियोटिक सेल के ये तीनों घटनाएं प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही हैं। मतलब ये तीनों घटनाएं प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही हैं। कौन कौन सी घटनाएं हैं? रिप्लिकेशन माने डीएनए से डीएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन माने डीएनए से आरएनए बन रहा है, और ट्रांसलेशन माने आरएनए से प्रोटीन बन रही है। ये तीनों घटनाएं प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में होती हैं, ये तीनों प्रक्रियाएं रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो ये देखिए रिप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। ये दोनों प्रक्रियाएं न्यूक्लियस में होती हैं। कहाँ होती है? न्यूक्लियस में होती है। जबकि जो ट्रांसलेशन है मतलब आरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन मतलब आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। ध्यान देना है आपको, ये पॉइंट वाली बात ध्यान देनी है कि अगर डीएनए से डीएनए बनेगा तो न्यूक्लियस से बनेगा, यूकैरियोटिक सेल के। डीएनए से आरएनए बनेगा तब भी न्यूक्लियस से बनेगा। यहां देखिए लिखा हुआ है रिप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन दोनों न्यूक्लियस में होगा, लेकिन जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होगी। मतलब अगर आप देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन तीनों साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है, जबकि उसके साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यूकैरियोटिक सेल में रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन तीन जगह हो रहा है, न्यूक्लियस में, माइटोकांड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। जबकि आपको ये चीज यहाँ यूकैरियोटिक सेल में नहीं दिखाई पड़ेगी। एक बात आप और यहीं पर देख लें, अगर आपको यहीं पर एक बात और देख लें हैं तो यहाँ देख लीजिए क्रोमोसोम एक टर्म है, आप सब लोग पढ़े होंगे क्रोमोसोम पढ़े होंगे। तो क्रोमोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में आपको क्रोमोसोम नहीं दिखाई पड़ेगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। मतलब क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर आपको यूकैरियोटिक सेल में दिखाई पड़ेगा। आप कारण पूछेंगे कारण क्या है, ये देखिए जब डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ेगी तो क्रोमेटिन बनेगा। आप यहां पर देखिए इस न्यूक्लियस के अंदर आप यहां क्या लिखते हैं, आप यहां लिखते हैं सर ये क्रोमेटिन है। तो क्रोमेटिन डीएनए क्रोमोसोम क्या है? जब यह क्रोमेटिन सेल के मेटाफेज, सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में कंडेंस हो जाता है तो क्रोमोसोम बनता है। मतलब अगर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम की बात करनी हो तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम केवल और केवल न्यूक्लियस में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी हुई है। आपको प्रोकैरियोटिक सेल में कभी भी क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ, क्रोमोसोम के बजाय आपको यहां पर एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा जिसे हम लोग प्रोक्रोमोसोम कह सकते हैं, प्रोक्रोमोसोम कह सकते हैं। क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई पड़ेगा, ये मैं आपको सिखा देना चाहता हूं। तो आप याद ध्यान रखेंगे कि डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसे रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। एक प्रक्रिया आप और देखें अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें या पहले हम लोग प्लॉयडी की बात कर लें, प्लॉयडी की अगर हम बात करें
तो अभी मैंने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपको क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? आपके सामने कॉन्सेप्ट है कि डीएनए के साथ हिस्टोन नहीं जुड़ा है। तो जब प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन नहीं है तो वहां पर क्रोमोसोम नहीं दिखाई पड़ेंगे। इस तरह से इस सेल को हम लोग हैप्लॉयड मानेंगे, हैप्लॉयड मानेंगे। हैप्लॉयड को हम लोग बायोलॉजी में यंग से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। क्यों? मैंने बार बार कहा कि यहां पर क्रोमोसोम नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि यहां पर हिस्टोन नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा हैप्लॉयड होगी। यूकैरियोटिक सेल की दोनों कंडीशन है, हो सकती है यूकैरियोटिक सेल डिप्लॉयड भी हो जिसको टू यंग से रिप्रेजेंट करते हैं, हो सकता है यूकैरियोटिक सेल हैप्लॉयड हो जिसको यंग से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर ऐसा है तो अगर हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन जो होता है यहां पर ए माइटासिस होती है। ए माइटासिस मतलब यह हुआ कि इस तरह की माइटासिस में आपको स्पिंडल फाइबर नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन यहां पर जो डिवीजन होता है वो दोनों डिवीजन होते हैं, एक माइटासिस होती है और एक बेटा होती है मियोसिस होती है। आपको मैंने ये बात सिखाई, माइटासिस को हम लोग होमोटिफिक डिवीजन कहते हैं, मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। इस तरह से आप डिफरेंस देखें तो रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन प्रोकैरियोटिक सेल के तीनों साइटोप्लाज्म में होंगे। रिप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में होगा और ट्रांसलेशन यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। प्लॉयडी की बात देखा जाए तो कभी भी आपको प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम नहीं दिखाई पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट याद रखिए, एक डीएनए के साथ जब हिस्टोन जुड़ेगा क्रोमेटिन बनेगा, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनेगा। तो क्रोमोसोम कहां बनेगा? न्यूक्लियस में बनेगा। कब बनेगा? कब आपको क्रोमोसोम दिखाई पड़ेगा? सेल के मेटाफेज स्टेज में दिखाई पड़ेगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम नहीं दिखाई पड़ेगा। जब यहां पर क्रोमोसोम नहीं दिखाई पड़ेगा तो इसकी प्लॉयडी को हम लोग हैप्लॉयड कंसीडर करते हैं, और हैप्लॉयड सेल में हमेशा माइटोसिस होती है, मियोसिस नहीं होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस भी नहीं होती है, वो एमाइटोसिस होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल दो तरह की है, कोई सेल है डिप्लॉयड है, कोई सेल है जो हैप्लॉयड है। तो जो डिप्लॉयड सेल है उसमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों हो सकती है, लेकिन जो सेल हैप्लॉयड है उसमें उसमें केवल माइटोसिस हो सकती है। इस तरह से अगर आप देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल एमाइटोसिस से डिवाइड होती है, यूकैरियोटिक सेल माइटोसिस और मियोसिस दोनों से डिवाइड होती है। ध्यान रखिए, हाँ, तो ये यूकैरियोटिक सेल में एक बना रहा हूं, आप इस स्ट्रक्चर को देखें। हम लोग अगला डिफरेंस सेल आर्गनेल्स का पढ़ रहे हैं। ये बात किसी की समझ में नहीं आती, आप समझने का प्रयास करें। ये बाहर की जो बाउंड्री है इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर यूकैरियोटिक सेल आप देख रहे हैं, ये जो बाहर की बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये जो बीच का एरिया है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब अगर हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ राइबोसोम लगे होते हैं। ये जो राइबोसोम है ये 80S वाले राइबोसोम है। आपने सब लोगों ने पढ़ा होगा राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक 70S राइबोसोम होता है और एक 80S राइबोसोम होता है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर आप देखें तो इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक बाहर की फोल्डिंग आती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग आती है। ये देखिए, इस फोल्डिंग पे ऐसे आप बनाते चले जाते हैं और कहते हैं सर ये फोल्डिंग ऐसे साइटोप्लाज्म की तरफ चलना शुरू कर देती है। जब ये फोल्डिंग कुछ दूर तक चलती है तो आप कहते हैं सर इस फोल्डिंग के नाम रख दीजिए, क्या नाम है? मैंने कहा देखिए यार, इस फोल्डिंग में कुछ दूर तक आपको राइबोसोम दिखाई पड़ते हैं। तो आपने कहा अच्छा अच्छा, राइबोसोम अगर दिखाई पड़ते हैं तो सर आप इसका नाम रख दीजिए, इसका नाम हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर का मतलब हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पर राइबोसोम नहीं दिखाई पड़ता है उसको आप एसईआर लिखते हैं, इसका पूरा नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जब आप इसके आगे चलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे चलते हैं तो ये स्ट्रक्चर देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे आपको सेल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं जिसको आप गॉल्गी बॉडी कहते हैं। ये देखिए, ये सेल के अंदर का जो अगला स्ट्रक्चर इसे हम लोग गॉल्गी बॉडी कहते हैं। इस गॉल्गी बॉडी के बाद ऐसे कुछ आपको वेसिकल्स दिखाई पड़ती हैं, इन स्ट्रक्चर्स को आप लाइसोसोम कहते हैं। ये देखिए, तो अब आपके सामने हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम। इसके सिवा इस सेल के अंदर आपको कहीं कहीं पर माइक्रोबॉडीज दिखाई पड़ती हैं, माइक्रोबॉडीज दिखाई पड़ती हैं। तो अब आपके सामने कौन कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गॉल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गई। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आप नाम देख रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स की अगर हम लोग बात करें तो सेल में तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड।
आपको इधर सीखना पड़ेगा तभी हम लोग ये बात उधर लिख पाएंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। तो ये कौन कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? एक तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दूसरा ये गॉल्गी बॉडी है, तीसरा ये जो है ये लाइसोसोम है, और चौथा स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रोबॉडीज है। तो अगर आप सेल में देखें तो आपको सेल में चार ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं जिनके ऊपर आपको एक मेम्ब्रेन है। एक तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर आपको एक मेम्ब्रेन दिखाई पड़ती है, इसके दो टाइप है, गॉल्गी बॉडी इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन दिखाई पड़ती है, लाइसोसोम के ऊपर एक मेम्ब्रेन दिखाई पड़ती है, और माइक्रोबॉडीज के ऊपर आपको एक मेम्ब्रेन दिखाई पड़ती है। ये सेल के अंदर ऐसे चार स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर आपको एक मेम्ब्रेन दिखाई पड़ती है। इसी तरह से अगर आप सेल में ये दो स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसके ऊपर आप ऐसे ये करें तो आप कहेंगे सर ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं, और अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाएं तो आप कहेंगे सर ये आप क्लोरोप्लास्ट बना रहे हैं। तो अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो आप कहें सर आप इसका नाम लिख दीजिए कि सर इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये जो है हमारा क्लोरोप्लास्ट है। अगर आप इनके दोनों स्ट्रक्चर को देखें, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, मतलब इनके ऊपर दो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ये। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड दो सेल ऑर्गेनेल है, कौन कौन से हैं? एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दो सेल ऑर्गेनेल है जिनके ऊपर दो मेम्ब्रेन होती है। ध्यान रखें तीसरा जो होता है उसे हम लोग नेकेड सेल ऑर्गेनेल कहते हैं या इसे हम लोग फॉल्स सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, इस सेल में अगर आपने यहां पर सेंट्रियोल बना दिया, आप यहां पर नाम देख लें, अगर आपने यहां पर सेंट्रियोल बना दिया तो इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। और दूसरा इस सेल के अंदर अगर आपने जगह जगह पर ऐसे आपने वो स्ट्रक्चर बना दिया जो सबसे छोटा है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, तो आप कहते हैं सर ये स्ट्रक्चर राइबोसोम है। तो आपको मैं बता दूं कि ये सेंट्रियोल और राइबोसोम ये दो स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसका मतलब सेल के अंदर आपको तीन तरह के सेल ऑर्गेनेल दिखाई पड़ते हैं। एक सेल ऑर्गेनेल है जिनके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, याद रखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम और माइक्रोबॉडी के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के ऊपर दो मेम्ब्रेन है, और सेंट्रियोल और राइबोसोम ऐसे दो स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, उन्हें फॉल्स सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। अब आपने यहां पर लिखा है सेल ऑर्गेनेल्स लिखा है, अगर आपने यहां सेल ऑर्गेनेल्स लिखा है तो आपको यह लिखना चाहिए यहां पर आप कमेंट का फोकस करेंगे, आप लिखेंगे कि देखिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल अब्सेंट है। प्लीज आप फोकस करेंगे, आप पढ़ लेते हैं जान नहीं पाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट है, मैं ये बोल रहा हूं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट है, मैं सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट है ये नहीं बोल रहा हूं, इसका ध्यान रखें आप, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट है मैं ये कहना चाहता हूं। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से है? अगर आप इसको देखें तो मेम्ब्रेन बाउंड ये है, मतलब अब्सेंट कौन कौन सा हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये स्ट्रक्चर अब्सेंट है। ऐसे लोग अब्सेंट है जिनके ऊपर मेम्ब्रेन है, जिन्होंने एक कपड़े पहन रखे हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, जिन्होंने कपड़े के ऊपर जैकेट रखी है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, जिन्होंने एक एक कपड़े पहन रखे हैं उनके नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडी इस नाम है, जिनके ऊपर दो कपड़े हैं उनका नाम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है, और जिनके ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं हो वो सेंट्रियोल और राइबोसोम है। पार्टी में किसे बुलाएंगे? जिसने कपड़े पहन रखे हैं, और जिसने नहीं पहन रखे हैं किसे बुलाएंगे? जिसने कपड़े पहन रखे हैं, बेइज्जती थोड़ी करानी है अपनी, नहीं बेइज्जती कराओगे तो। अब आप यहां देखें तो मैंने यहां लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट लिखा है, और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं देखिए, यहां पर लिख रहा हूं मैं मेम्ब्रेन बाउंड, बल्कि ये मैं नहीं लिखा हूं मेम्ब्रेन बाउंड, ये गलत शब्द हो जाएगा, मैंने यहां लिखा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है,
सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है का मतलब क्या हुआ, आप समझे इस बात को। अगर आपने मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट लिखा है, मतलब ये एब्सेंट है, इसका मतलब इसका होने का चांस यहाँ पे है। लेकिन अगर आपने यहाँ लिखा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, इसका मतलब ये तीनों कैटेगरी के लोग यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तीनों कैटेगरी के लोग प्रेजेंट है। तो यहाँ कौन कौन है प्रेजेंट है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एब्सेंट है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एब्सेंट है, लेकिन जो नेकेड सेल ऑर्गेनेल्स है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब सेंट्रियल और राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाएगा। आइए आगे की बात बढ़ाते हैं। अगर हम आपसे पूछे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर ले, अगर हम लोग अब यहाँ पे ये हो गया सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं एब्सेंट है, इसका ध्यान रखना है आपको। मेरी बात फिर से सुन लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं एब्सेंट है, इसका पूरा ध्यान रखना है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, चाहे मेम्ब्रेन बाउंड हो और चाहे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हो, दोनों कैटेगरी के यूकैरियोटिक में है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में केवल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, ध्यान रखना इसका। अब आप देखिए, तो अगर आप यहाँ पर अगला हेडिंग डाले ऐसे लिखे राइबोसोम, राइबोसोम का आपको डिफरेंस देखना है। हमने राइबोसोम यहाँ पर लिखा है तो फटाक से मैंने लिखा कि राइबोसोम यहाँ पर 70s राइबोसोम प्रेजेंट है, 70s राइबोसोम इस जगह पर प्रेजेंट है, तो 70s राइबोसोम प्रेजेंट है। तो अब अगर आप कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है आपको। मैंने अभी कहा कि नेकेड सेल ऑर्गेनेल्स की बात यहाँ हो रही है कि यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड एब्सेंट है, नेकेड की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर 70s राइबोसोम प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, हमने फिलियम नहीं बनाया लेकिन बैक्टीरिया में 70s राइबोसोम प्रेजेंट है, आपको याद करना है। अगर हम यहाँ पर बात करें यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो यूकैरियोटिक सेल में दो तरह के राइबोसोम है, एक तो 70s राइबोसोम है जो दो जगह पे है, कहाँ कहाँ पे है, एक तो वो माइटोकांड्रिया पे है, 70s राइबोसोम माइटोकांड्रिया पे है और 70s राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट पे है। मतलब ये जो दो सेल ऑर्गेनेल है प्रोकैरियोटिक सेल के, ये दो जो सेल ऑर्गेनेल है माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के पास 70s राइबोसोम है। इस तरह के 70s राइबोसोम के बारे में बात करें तो 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में है और यूकैरियोटिक सेल के माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट में है, इसका ध्यान रखना है आपको। लेकिन अगर हम 80s की बात करें, तो अगर हम 80s के राइबोसोम की बात करें, 80s की बात करें, तो यह 80s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में चार जगह पे है, कहां पे है, एक तो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में है यूकैरियोटिक सेल के, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है और तीसरा साइटोप्लाज्म में है। इस तरह से आप देखें तो जो 70s राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, वो यूकैरियोटिक सेल में भी है। बेटा अगर आपने पढ़ा होगा तो अब मैं एक कमेंट लिखता हूं, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे पॉलीसोम क्या है, ये देखिए एनसीईआरटी ने इसका एक्सप्लेनेशन किया है कि पॉलीसोम क्या होते हैं, पॉलीसोम किसे कहते हैं, तो पॉलीसोम उसे कहते हैं जब किसी यमआरएनए के थ्रेड पे ढेर सारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम पॉलीसोम कहते हैं। तो पॉलीसोम ऑलवेज प्रेजेंट, चाहे प्रोटीन बने या ना बने पॉलीसोम आपको हमेशा दिखाई पड़ेंगे। लेकिन यहां पर कब दिखाई पड़ेंगे, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, जिस समय ट्रांसलेशन होता रहेगा मतलब प्रोटीन बनती रहेगी उसी समय आपको पॉलीसोम दिखाई पड़ेंगे। पॉलीसोम का मतलब क्या हुआ, पॉलीसोम को आप पॉलीराइबोसोम कह सकते हैं कि जब एक यमआरएनए के थ्रेड पे ढेर सारे राइबोसोम अरेंज हो जाते हैं तब हम उसे पॉलीसोम कहते हैं। आपको फिर से ध्यान दिला दूं मैं कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, नेकेड सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट है, मतलब ये तीनों यूकैरियोटिक में है, ये दोनों प्रोकैरियोटिक में नहीं है, इसका ध्यान रखना है आपको।